एक चश्मदीद गवाह वह होता है जिसने अपराध की घटना को अपनी आंखों से देखा हो, वह घटना की डिटेल्स को अपने कानों से सुना हो। ऐसे चश्मदीद गवाह की गवाही अन्य सभी प्रकार के गवाहों से एक स्तर अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। चश्मदीद गवाहों की गवाहियां आमतौर से ऐसे केसेस में होती हैं जहां सरेआम लोगों के सामने मारपीट की गई हो, मर्डर किया गया हो, किसी को छेड़ा गया हो या लूटपाट वगैरह की गई हो। यानी कि अधिकांश अपराधों में चश्मदीद गवाह, जिन्हें आई विटनेसेस भी कहते हैं, का होना पाया जाता है। चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीयता सीसीटीवी फुटेज में भी होनी मानी जाती है, बल्कि यह तो ऐसा सबूत होती है जो सीसीटीवी फुटेज है कि इसमें हर व्यक्ति को जो भी इसको देख लेता है वह चश्मदीद गवाह जैसी स्पष्टता पा सकता है। सवाल है कि यदि अपराध की सीसीटीवी फुटेज पुलिस आईओ ने कोर्ट रिकॉर्ड पर लगाई हो तो क्या कोर्ट उस सीसीटीवी फुटेज पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा, और ऐसा वह किन कानूनी आधारों पर करेगा। आज की वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कानून स्पष्ट किया है। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर कानून का विस्तार बताया है वे इस प्रकार हैं। पहला, चश्मदीद गवाहों की गवाही को स्वीकार्य बनाने वाले आधार क्या होते हैं। दूसरा, अपराध की सीसीटीवी फुटेज को किन कानूनी आधारों पर स्वीकार्य या अस्वीकार्य कहा जाएगा। तीसरा, इस सीसीटीवी फुटेज की बाबत सर्टिफिकेट 65B सीआरपीसी की कानूनी आवश्यकता क्या होगी। चौथा, पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन क्या आरोपी के खिलाफ ट्रायल के दौरान पढ़ा जा सकता है। केस का नाम है नरेश उर्फ नेहरू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यह क्रिमिनल अपील थी जिसका नंबर था 1786 ऑफ 2023। इस क्रिमिनल अपील को जस्टिस एस रविंद्र भाट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने 9 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। प्रोसिक्यूशन स्टोरी के मुताबिक 22 चार 2016 के दिन गश्त करते समय एएसआई रामकिशन ने मोहित एलियस काले का बयान दर्ज किया था। क्या बयान था कि शाम 6:40 पर अजय व सूरज सरपंच के घर के सामने बात कर रहे थे तो एक बुलेट पर 3 लड़के तथा 2 अन्य मोटरसाइकिलों पर 2 लड़के उनके पीछे पड़ गए तो अजय व सूरज धर्मेंद्र के घर की ओर भागे। एक मोटरसाइकिल पर बैठे लड़के ने अजय के सिर में गोली मारी तो वह वहीं धर्मेंद्र के घर के सामने गिर पड़ा और सूरज धर्मेंद्र के घर के अंदर जाकर छिप गया। शोर होने पर सारे मोटरसाइकिल सवार भिवाड़ी की तरफ भाग गए थे। इस सूचना पर सेक्शन 148, 149, 307 ऑफ आईपीसी रेड विद सेक्शन 25 ऑफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया था। अजय की मृत्यु हो जाने से धारा 307 आईपीसी को बदलकर धारा 302 आईपीसी कर दी गई। कोर्ट ने 6 आरोपियों पर चार्ज लगाया और प्रोसिक्यूशन ने 18 गवाहों की गवाही को कोर्ट के सामने पेश किया। पूरे केस के ट्रायल के बाद ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट 6/10/2017 के द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया गया। जब इस दोष देने वाले जजमेंट को हाईकोर्ट के सामने अपील की गई, उसको चुनौती दी गई तो 9/1/2020 को हाईकोर्ट ने इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। इस प्रकार सभी आरोपी दोषी होकर अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे। वर्तमान अपील आरोपी संख्या 4, 5 व 6 के द्वारा फाइल की गई है। ट्रायल कोर्ट का जजमेंट देखकर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि PW9 मोहित एलियस काले को होली रिलायबल गवाह माना गया था। उसने बताया था कि सूरज और आरोपी रवि की दुलैंडी को लड़ाई हुई थी। दुलैंडी माने होली से अगले दिन जो रंग खेला जाता है उस दिन को दुलैंडी कहते हैं। घटना वाले दिन रवि की बुलेट पर पीछे बैठे लड़के ने अजय पर गोली चलाई थी और सूरज धर्मेंद्र के घर में छिप गया था। लेकिन कठिनाई यह थी कि सूरज को ना तो प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया गया था और ना ही उसकी गवाही रिकॉर्ड की गई।
जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह हो सकता था वह कोर्ट रिकॉर्ड से पूरी तरह से गायब था और यह प्रोसिक्यूशन की विश्वसनीयता पर पहला सवाल था। इस आई विटनेस मोहित एलिस काले की गवाही में सुप्रीम कोर्ट को काफी खोट नजर आया। उसने पुलिस बयान में 3 मोटरसाइकिलों की बात की थी लेकिन कोर्ट में मोटरसाइकिलों की संख्या 4 बताई थी। उसने बताया कि वह रवि व शोएब को पहले से जानता था और शेष आरोपियों के नाम उनकी गिरफ्तारी के बाद उसको पता लगे। 22/4/16 की जो पहली इंफॉर्मेशन उसने दी थी एएसआई को, उस इंफॉर्मेशन का समय बदलकर अब 10:45 PM कर दिया गया था। एक आई विटनेस की गवाही में जो विश्वसनीयता और सामर्थ्य होनी चाहिए वह सुप्रीम कोर्ट को PW9 मोहित एलिस काले की गवाही में नहीं मिली। तो यहां हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि एक आई विटनेस की गवाही में क्या विशेष बात होनी चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय राय संदीप एलियस दीपू वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2012-8 SCC 21 के आधार पर कहा कि विश्वसनीय गवाह की गवाही उच्च गुणवत्ता वाली तथा देखने भर से स्वीकार्यता से भरपूर होनी चाहिए। यह अकाट्य होनी चाहिए, इसमें आंतरिक अंतर्विरोध नहीं होने चाहिए। इससे भी अधिक, इस गवाही में शुरू से आखिर तक सामंजस्य यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। PW9 मोहित एलिस काले की गवाही में कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल नहीं थी। चीजों को बदला जा रहा था, बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा था, इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे थे। PW8 ने अपने मोबाइल से उपरोक्त CCTV फुटेज शूट की थी। PW8 के मुताबिक उसने यह CCTV फुटेज 22/4/2016 को ही बना ली थी लेकिन पुलिस को लगभग 1.25 महीने के बाद 1 जून 2016 को सौंपी थी। पुलिस ने यह वीडियो CD कभी भी FSL में भेजी ही नहीं थी। उन्होंने इसे लैपटॉप में लिया, फिर इसकी वीडियो CD बना दी और कोर्ट में पेश कर दी। पुलिस ने ना तो लैपटॉप और ना ही मोबाइल को जब्त किया, ना उनको FSL में भेजा गया। तो ऐसे में यह कोर्ट इस बात को समझने में असमर्थ है कि इस वीडियो CD को प्रूव्ड एविडेंस कैसे माना जा सकता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने इस वीडियो CD को प्रूव्ड एविडेंस मानते हुए इसके ऊपर विश्वास जताया था। यह वीडियो CD कोर्ट में चलाई गई थी और ट्रायल कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड पर लिखा है कि इस वीडियो CD में आक्रमणकारियों तथा पीड़ितों के चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। इससे भी आगे केवल एक वीडियो CD की बाबत एक सर्टिफिकेट 65BCRPC रिकॉर्ड पर लगा हुआ था, जिसे एक पुलिस वाले ने बनाकर तैयार किया था और PW8 ने तो केवल इसमें साइन भर ही किया था। मोबाइल व लैपटॉप दोनों के सर्टिफिकेट 65BCRPC रिकॉर्ड पर नहीं लगे हुए थे। जो सर्टिफिकेट 65BCRPC लगा था उसमें वीडियो CD किसकी थी यानी कि ओनर की बाबत कुछ भी नहीं बताया गया था। जब पुलिस आयोग की गवाही हुई तो उसने खुद माना कि वीडियो CD में आरोपियों के चेहरे नहीं पहचाने जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों के नंबर नहीं पढ़े जा रहे हैं। पुलिस आयोग ने यह बयान भी किया कि वीडियो CD को धर्मेंद्र के घर लगे हुए CCTV कैमरा की फुटेज से तैयार किया गया था। आप व्यूअर्स यहां देख पाएंगे कि PW8 ने उसे एक मोबाइल से तैयार किया हुआ बताया था और इसी बात का सर्टिफिकेट 65B रिकॉर्ड पर दिया था, जबकि पुलिस ने उसे धर्मेंद्र के घर के CCTV कैमरा से प्राप्त बताया था, लेकिन धर्मेंद्र का कोई सर्टिफिकेट 65B CRPC रिकॉर्ड पर नहीं लगा था। वैसे भी इन दो अलग अलग सोर्सेस से मिलने वाले वीडियोस की ओनरशिप अलग अलग होने से इनके सर्टिफिकेट 65B भी अलग अलग होने चाहिए थे। व्यूअर्स के साथ हम ये बात साझा करते हैं कि यहाँ वीडियो CD होने से सर्टिफिकेट 65B होने से यह CCTV फुटेज केस में एडमिसिबल तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो कमियां बताई गई हैं उनके कारण यह कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाएगा। तो जिन व्यूअर्स का हमसे अनेक बार यह सवाल होता है कि एडमिसिबल एविडेंस तथा प्रूव्ड एविडेंस में क्या अंतर होता है, तो वे सब विद्वान यहाँ देख सकते हैं। सर्टिफिकेट 65B लगाकर दी गई हर एक वीडियो एडमिसिबल तो हो जाएगी, लेकिन उसे प्रूव्ड बनाने के लिए उसकी मेरिट्स पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। क्या उसमें वह सब्जेक्ट मैटर दिखाई देता है जिसके लिए वह वीडियो CD दी गई है? यदि मेरिट्स उचित नहीं है तो वीडियो को प्रूव्ड नहीं कहा जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही बात सेक्शन 25 26 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बताई, जिस आरोपी की स्वीकारोक्ति यानी कि कन्फेशन को आधार बनाकर ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, उस आरोपी का कन्फेशन उसकी गिरफ्तारी के बाद रिकॉर्ड किया गया था, जो कि सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक गैर कानूनी था। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन कोर्ट में स्वीकार्य नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत अपने पुराने निर्णय इंदिरा दलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015-11 SCC 31 का हवाला दिया, जिसमें कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी के बारे में यही बात कही गई थी। तो अब अंत में हम यह देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। आज हमने पहली बात सीखी है, केवल चश्मदीद गवाह होने से उनकी गवाही नहीं मानी जाएगी, उसमें ट्रुथ एंड कंसिस्टेंसी भी होने चाहिए, तभी कोर्ट उस पर यकीन कर सकेगा। दूसरी बात है, CCTV फुटेज को प्रूव करने के लिए उसके कंटेंट अर्थात दिखाई गई रिकॉर्डिंग को भी विश्वसनीय तथा समझ में आने वाला होना चाहिए, रिलायबल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। तीसरी बात कोर्ट ने कही कि सर्टिफिकेट 65B CRPC द्वारा ओनरशिप ऑफ कैमरा सहित 65B की चारों शर्तों को पूरा किया जाना होना चाहिए। अंतिम चौथी बात कही, पुलिस की कस्टडी में दिए गए कन्फेशन को आरोपी के खिलाफ न प्रूव किया जा सकेगा और न ही ट्रायल के दौरान इसको पढ़ा जा सकेगा। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः तीन गवाहों पर टिका होता है, पहला प्रोसिक्यूटरिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या FSL एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी के IU। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोज में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।